डॉक्टर शवाना, थैंक यू हमें बताएं कि माँ बनने की सबसे बेहतरीन उम्र क्या है? जी, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड एज अ रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी टाइम पे शादी नहीं हुई तो आप हमें एक समाजी इश्यू बता रहे हैं। मैं सिर्फ आपको मेडिकल साइंस बताऊंगी ताकि आप लोग फैसला कर सकें कि आपने जिंदगी में किस डायरेक्शन में जाना है। तो बच्ची जो होती है ना, एक ह्यूमन गर्ल, वो पैदा होती है अंडों के जखीरे के साथ। 1 to 2 million उसके अंडे होते हैं जब वो पैदा होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ उसके अंडों का जखीरा कम होना शुरू हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी पीक, यानी कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल पीक पे होती है 24-25 years ऑफ एज में। उसके बाद ठीक रहती है, हल्की हल्की, बहुत हल्की कम होती है। तो 20 साल से लेके 30 साल जो है आपकी फर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। 30 साल के बाद जो है थोड़ी कम होगी। तो घबराने की कोई, अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है वो, हमारी शादी अभी तक नहीं हुई तो शादी होगी तो बच्चे पैदा करेंगे, डॉक्टर साहब हमें डरा रही हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, थोड़ा फर्क पड़ेगा। अलबत्ता 40 साल के बाद जो आपके अंडे की क्वालिटी होती है और जो क्वांटिटी होती है उसमें वाजे तौर पे कमी आ जाती है। कहाँ 1 से 2 million था और 40 साल के बाद जो है आपका सिर्फ 25,000 या 20,000 जखीरा रह जाता है। और आपको पता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीरियड खत्म हो जाते हैं और 50 साल के बाद तो बिल्कुल ही प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है तो हो सकती है, लेकिन हम साइंस की बात सिर्फ कर रहे हैं जो नेचुरली औरत की सलाहियत है बच्चा पैदा करने की। एक मसला तो ये है। दूसरा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एज से और क्या फर्क पड़ेगा अगर आप इस एज में बच्चा नहीं पैदा करते और जरा लेटर एज में जाके बच्चा पैदा करते हैं। तो 35 साल के बाद ना थोड़ा सा अंडे की क्वालिटी जो होती है, क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन उसकी क्वालिटी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, जो मेंटली आप कह लो स्पेशल नीड बेबीज होते हैं जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, उसका ना रेट ज्यादा हो जाता है। अगर 35 साल की बच्ची ने बच्चा पैदा किया, वो माँ बनी, जो कि खूबसूरत रिश्ता है, तो 400 बच्चे जब पैदा होंगे ना तो उसमें से एक बच्चा जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है, यानी कि उसको ये जेनेटिक आप कह लो म्यूटेशन हो सकती है, डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। और अगर 40 साल की आप देखें कि अगर 40 साल की ये खातून हो जाती है और फिर बच्चा पैदा करती है तो 94 बच्चे अगर पैदा होंगे तो उसमें से एक बच्चा जो है उसको ये प्रॉब्लम और जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है। तो कितना फर्क आ जाता है। घबराने की कोई बात नहीं, आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी हमें ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को जो बच्चियां करियर ओरिएंटेड हैं या अपने करियर की वजह से डिले कर रही हैं या माँ बाप डिले कर रहे हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो ये थोड़ा सा अगर आपको मेडिकल नॉलेज होगा ना तो आप थोड़ा सा डिसीजन अच्छा कर लेते हैं लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जाम्पल किसी की परफेक्ट एज में अकॉर्डिंग टू साइंस और जो आपने बताने डिटेल्स दी कि 24-25 में अगर एक औरत हु इज़ अ मैरिड पर्सन कंसीव करने की कोशिश कर रही है लेकिन बाय चांस बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक वो कंसीव नहीं कर पाती जो कि परफेक्ट एज है अकॉर्डिंग टू साइंस और मेडिकल मेडिसिन कह दें, तो तब क्या करना चाहिए? कंसीव करने की जो ना करने के वजूहत क्या हो सकते हैं? और कंसीव से पहले जो आपकी बेबी प्लानिंग चल रही है बाकायदगी से हस्बैंड वाइफ की, उसमें क्या प्रिकॉशंस हैं इन टर्म्स ऑफ इनटेक, हेल्थ को लेकर या डाइट प्लान को लेकर? कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर देनी चाहिए कि अब आप कंसीव की तरफ जा रहे हैं, बेबी प्लानिंग करने लगे हैं, तो आप क्या बताएंगी इस हवाले से? जब भी कोई नया कपल जो है ना प्रेग्नेंट होना चाहता है तो फिजिकल फिटनेस बड़ी जरूरी होती है। अगर जो बच्ची जो सोच रही है कि मैंने अब माँ बनना है, उसको चाहिए कि अपना वेट मैनेजमेंट जरूर करे, क्योंकि अगर वेट मैनेजमेंट बहुत ओबीज, बहुत फरबा बदन होंगे ना तो आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ी डिफिकल्टी भी हो जाती है, और प्रेग्नेंट अगर हो जाए तो आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ आपको चाहिए कि अगर आपकी कजन मैरिज हुई हुई है तो उसमें भी जाके आप प्री मैरिटल काउंसलिंग लेते हैं ना शादी से पहले जाके कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप प्री कंसेप्शन जो है उसकी काउंसलिंग अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके देखें कि टेस्टिंग होती है जो आप करवा सकते हैं कि कितना रिस्क हो सकता है आपको। उसके साथ आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए, फॉलिक एसिड से मिसकैरेज का रेट भी कम होता है। उसके साथ जो आपका स्पाइन पीछे बन रही होती है ना वर्टिब्रा, उसके डिफेक्ट्स में भी कमी होती है, तो फॉलिक एसिड या प्रीनेटल विटामिन, उसके साथ न्यूट्रिशन आपकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, ये तमाम चीजें जो है ना उसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपकी, मैंने कहा कि ये पीक फर्टिलिटी है, इसका ये मतलब नहीं है
अल्लाह मियां ने बच्चा देना है, होने को नहीं होता, उसे अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी कहते हैं। जब हम बात करते हैं तो एवरेज लोगों की बात करते हैं कि इस एज में ये हो सकता है, और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनका होता ही नहीं है। बच्चा तो आप 45 में भी आजकल कर सकते हैं, आजकल तो IUI, IVF, और अगर औरतें इतनी फिजिकली फिट हो गई हैं, अपना इतना ख्याल रखती हैं कि अब तो वो आपकी जो है अंडे की क्वांटिटी, क्वालिटी, क्योंकि लॉन्जिविटी भी इंक्रीज हो गई है, तो लोग जो है लेट एज में भी जाके बच्चा पैदा कर रहे हैं। लेट एज में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर आप टेस्टिंग भी करवा सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से जाके। अब तो टेस्टिंग भी आपकी 10 वीक में हो जाती है कि क्या मेरा बच्चा जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं, वो आपका ब्लड टेस्ट लेके पता कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वो अंदर नीडल भी नहीं डालनी पड़ती, सिर्फ माँ का ब्लड टेस्ट लेंगे, नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग है। आप 10 वीक के बाद ये टेस्ट करवा सकते हैं, 99% एक्यूरेट है, जो आपको बता देगा कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। अगर फॉर सम रीजन आप डॉक्टर के पास नहीं गए 10 वीक में, आप चले गए आप कह लो कि 11 से 14 वीक में, तो एक न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट होता है जो अल्ट्रासाउंड करके ना बच्चे की नेक की थिकनेस और उसका नाक चेक करके बता देते हैं 90-95% के बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। और अगर वो भी नहीं टेस्ट कराया ना आपने, आप 15 वीक के बाद, आपकी प्रेगनेंसी को 15 वीक हो गए और आप डॉक्टर के पास गए, तो वो नीडल डाल के बच्चे का पानी लेके 100% चेक करके बता देंगे कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, बच्चा टोटली नॉर्मल है। और ये तमाम टेस्टिंग उन खवातीन के लिए है जो कि 35 ईयर्स से प्लस हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 35 ईयर्स के बाद डाउन सिंड्रोम। डॉक्टर शमाना, सॉरी टू कट यू आउट, हमारे साथ अभी एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सना है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली अभी ट्राई कर रही हूँ कि बेबी के लिए, तो मैं डॉक्टर शमाना से ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी डाइट, मैं खुद को किस तरह से प्रिपेयर करूँ फिजिकली, और मेरी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, और कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसका मुझे ख्याल रखना चाहिए। जरूर जरूर जी डॉक्टर शमाना। डाइट में आपकी बेताशा लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए। अब मैं स्क्रीन पे आपका वेट नहीं पूछूंगी ना आपकी उम्र पूछ रही हूँ, लेकिन एक खास वेट होता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा एवरेज हाइट के साथ मेरा एवरेज वेट इतना होना चाहिए, मेरा डायबिटीज जो है उसका रिस्क कम हो जाएगा। वरना अगर आपको बताया मैंने फरबा बदन, दूसरा थायराइड का इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बनता है ना पहले 10 वीक तो उसके पास थायराइड नहीं होता, उसने माँ का लेना होता है। तो अपनी डाइट में आप जितनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स नॉन शुगरी नॉन कार्बोहाइड्रेट हेल्थी चीजें ऐड करेंगे ना उतना आपको फायदा होगा। प्रीनेटल विटामिन नहीं लेना तो फॉलिक एसिड तो जरूर ले लीजिए, और वॉक और वर्जिश जरूर जारी रखें। जितनी हेल्दी आप पहले होंगी उतना ही हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी होगी। अगर आपका वजन जरा हल्की तरफ है ना तो आपको ज्यादा, मैं कहूंगी कि आप प्रेग्नेंट होके वापस आएंगी तो आपके पास चांस होगा, मैं कहूंगी हाँ भाई तुम्हारे पास ज्यादा जगह है, ज्यादा खा पी सकती हो तुम। अगर पहले बहुत आप मोटे कायम हुए ना तो फिर मैं कहूंगी नहीं, अब जो है ना आपको सिर्फ 15 से 20 पाउंड गेन करना है, ज्यादा वजन गेन ना करें वरना और मुश्किलात हो जाएंगी। तो आपका प्री प्रेगनेंसी वेट बहुत मैटर करता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमाना। जी राबिया, आप कुछ फरमाइश करना चाहते हैं? मेरी फरमाइश है अहमद साहब से कि आप हमारे प्रोग्राम की नोयत तो देख ही रहे हैं, तो जरा शायरी का तड़का लगा दें बीच में थोड़ा सा। मैं क्योंकि मजाक से बहुत अच्छी शायरी है माशाल्लाह, और मैं सोच रहा था टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है, और इससे बड़ा टॉपिक क्या हो सकता है माँ के हवाले से। और फिर असल मुझे थोड़ी सी इसमें गुंजाइश ये नजर आई कि शादी शुदा लोगों की बात हो रही और जल्दी शादी की बात हो रही, तो मैं मैसेज उनको देना चाहता हूँ। और इसमें देखिए कि ज़माना चेंज हो गया है, 21st सेंचुरी जा रही है, और अब जो है वो औरतें अगर बोलें भी तो मर्द हजरात, कुछ मर्द हजरात ऐसे शहरों में हो गया है मेरे जैसे कि वो उनकी सुनते भी हैं, और वो ये तो उस हवाले से अगर कोई नहीं भी सुनते तो उनको मेरा पैगाम है इस शायरी। जी जी प्लीज़ अर्ज़ कीजिए। कि शादी भी हुन कर कुर लांगे, जी लांगे कुछ मर मुर लांगे, और जे वो थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फिर फाड़ फुड़ लांगे। औखी नहीं होने देना, औखी नहीं होने देना, जे वो थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फिर फाड़ फुड़ लांगे, और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने मुँह ते धर तुर लांगे। और बेगम जी नू खुश रखन लई साले को भी डर डुर लांगे, और सोनी वांगों तर नहीं सकते। सोनी जो है वो दरियाए चनाब, उसने वो आपको पता ही है कच्चे गड़े पे, कि सोनी वांगो तर नहीं सकते,
छप्पड़ नाला तार तुर लांगे। इस शायरी का मफहूम कुछ इस तरह नहीं है कि जोरू का गुलाम। हाँ बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, इसमें क्या है, होना चाहिए अभी आजकल बनना पड़ता है। हाँ, इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है, आप क्या कह रहे हैं, जोरू का गुलाम होना चाहिए। मैंने एक मैं तो मजाक है। हाँ मजाक नहीं, वैसे उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि असल में जोरू का गुलाम तो एक ऐसी बात है। वो मैंने वसी शाह साहब एक प्रोग्राम में थे तो मैंने उनको उनकी तरफ शेयर किया कि मैंने कहा कि अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। तो वो कहने लगे कि आप सर की बात करते हैं, हम पांव दबा लेते हैं। तो ये एक मजाक भी है लेकिन इसमें संजीदगी भी है, इसमें कौन सी बात है ऐसी। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के सर दबा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो और सुनाइए, और मैंने सुनी भी है इस तरह। मैंने कहा आप सारी लड़कियां बैठी हैं, कोई मेरे से कोई ऐसी बात हो गई, क्योंकि हमारा ताल्लुक मिजाज से है तो मुझे फैंटी ना लगा दीजिए। इतनी ज्यादा औरतों में अकेले मर्द नहीं नहीं प्लीज अपना कोई मजेदार, आप इतनी मजाकिया शायरी भी करते हैं तो मैं तो मजेदार कलाम सुनाई। जी जी मजाक का, फिर आपने मेरी सहेली के लिए बोलते हैं जो सारी सहेलियां हम आज जमाए। जी जी और सहेला भी तो जी सहेला एक्सेप्शनल केस है कि आज आप एक मेल गेस्ट हैं। सहेली से मुझे एक अपने एक शेर याद आ गया, वो है तो जरा यूनिवर्सिटी फेलोज के हवाले से कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं, और जिस सहेली का हमसे जिक्र करे उस सहेली पे हम फिदा हो जाएं। दिल फ्रैंक। तो यूनिवर्सिटी के वाले से था। एक दो चीजें और कि हम तुम जो इतने हैं वेले, हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिर डेले। हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों नहीं, आप हंसे ऐसी शायरी अगर ऐसी शायरी अगर इन्होंने किसी को सुना दी तो वो भी हरासमेंट है। जस्ट बाय द वे, और इसके बहुत हॉरर शायरी नहीं कौन सी है, लॉ पर्सपेक्टिव से उन्होंने बात की है। सही है, हमारे साथ एक एडवोकेट भी दूसरी भी तो मैं डर डर के सुना रहा हूं। हमने पूरी टीम बिठाई हुई है आज, अहमद साहब नजर की बात हो रही है, दिलों की बात हो रही है, बस आप ध्यान रखिएगा। हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिर डेले, और घास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। अब इसमें देखें क्या, इसमें तो आजी वाली बात है। जी जी, इन सारे अशार में तो आजी वाली बात है, और मैं बच बच के सुना रहा हूँ। वैसे मेरी शायरी ऐसी कुछ है नहीं कि अभी कुछ जहन में आ जाए कुछ ताज़ा, के कौन सी बात जो शौहर ने ना मानी उसकी। ऐसे भी शोहर होते हैं मेरे भाई हैं पुर्तगाल में, वो सारी बातें मानते हैं लेकिन उसके बाद वो फिर कहते हैं आप बात ही कोई नहीं मानते। कौन सी बात जो शोहर ने ना मानी उसकी, खींच रखती है फिर भी उस, कौन सी बात जो शोहर ने ना मानी उसकी, खींच रखती है उसे फिर भी जनानी उसकी। और आई लव यू तेरे कहने पे मैं कह दूँ उसको, गालियां देते हुए देखी है रवानी उसकी। लेकिन बेमौका बेमहाल कहेंगे तो आपने फिर जो ये तो है परसोना एक बनाया हुआ है औरत का, मतलब डर है बीवी का। यस, रोब है, वो पता चल रहा है बीवी का, मतलब औरत का रोब होना चाहिए हर जगह, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो। ये कमेंट हम इनसे दोबारा तब लेंगे जब ये छह मर्दों के बीच में बैठे, अभी औरतों ये कमेंट कर रहे हैं।